चलो अब हम चलो इसकी आंख में पट्टी बांध देते हैं और देखते हैं ये चीजें पहचान पाता है या नहीं। ये मैंने बांधी पट्टी और बताओ ये क्या चीज है। हाँ ये लो, ये बताओ ये क्या है। ये फूल है। अरे अरे दिख रहा है, नहीं मुझे नहीं दिख रहा है, दिख रहा है मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। हम फिर से बांध लेंगे इसके पट्टी, फिर से बांध। हाँ आओ। अबे ये क्या कर रहे हो? अरे 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 छोड़ो इसे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रहने दो, हवा नहीं मिलेगी तो दम घुटेगा, हवा आने दो, चलो। अरे कहाँ है हवा? मुझे तो हवा नहीं दिख रही। हाँ मुझे तो हवा नहीं दिख रही है। अरे भाई हम सबको हवा दिखती नहीं है लेकिन हम इसे महसूस तो कर सकते हैं। पर हम इसे महसूस कैसे करते हैं? मैं बताती हूँ। तुमने कभी पेड़ के पत्ते हिलते हुए नहीं देखे क्या? देखे हैं। तो बताओ जरा वो पत्ते कैसे हिलते हैं? हवा से, हवा से हिलते हैं ना, हवा से। हाँ फिर, और मम्मी जब कपड़े फैलाती है तो वो भी तो हवा से हिलते हैं और वो हवा से सूख भी जाते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, वह हम देखते नहीं लेकिन हम उसे महसूस जरूर कर लेते हैं, है कि नहीं? तो लेकिन जब आंधी आती है तब तो हवा दिखती है और हम उसे महसूस भी करते हैं क्योंकि हमें धक्का लगता है। एक बार तो मैं गिर भी गया था। देखो अभी तुमने कहा आंधी आती है तो हम उसे देख पाते हैं, ऐसा नहीं है। आंधी है क्या? आंधी हवा जब बहुत वेग से आती है तो क्या करती है, अपने रास्ते में जो उसके धूल के कण आए, जो पेड़ पौधे पत्ते जो कुछ भी आया उसे उड़ा ले जाती है। वो धूल के कण जो और चीजें जो उड़ती हुई आती हैं, हम उन्हें ही देख के कहते हैं कि आंधी आ गई। अच्छा ठीक है ना। तो हवा बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और बाकी के जो भी अन्य गैसें हैं वो 0.77% के अंदर ही होती हैं। दीदी अन्य गैसें में कौन सी गैसें होती हैं? तुम ले सकते हो हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टन है, ऐसी बहुत सी गैसें हैं। ये गैसें एक तो बहुत कम मात्रा में होती हैं, दूसरे ये अक्रिय गैसें होती हैं। बहुत सारी गैसें एक साथ मिलके वातावरण में रहती है। दीदी अगर इतनी ढेर सारी गैसें एक साथ रहती हैं तो उनमें कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो जरूर होती होगी। बहुत सोच समझ के तुमने प्रश्न पूछा। देखो जो हमारे आसपास तत्व मौजूद हैं उनसे ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करके विभिन्न ऑक्साइड बना लेती है, ठीक। इसके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन साथ में मिलके बहुत से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्सीजन और वातावरण में पाए जाने वाले सभी तत्व मिलके अलग अलग नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। अब रही बात कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारे तत्वों से मिलके उनके कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स बनाता है। और जो अक्रिय गैसें हैं, जो हमारी अन्य गैसें हैं बहुत कम मात्रा में हैं, वो एक दूसरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो साथ में रहती भी हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं करती हैं? अच्छा देखो मैं बताती हूँ, जरा बताओ ये क्या है? ये उर्वरक की दाल है। बहुत अच्छे। और ये क्या है? ये गेहूं है। ये गेहूं है। अब जरा बताओ ये क्या है? ये चने की दाल है। ये चने की दाल। अच्छा और बताओ ये क्या है? ये चावल है। ये चावल है। एक आध दालें और ले ले हम। ये क्या है? ये मूंग की दाल है। बहुत है। मान लो ये सारी की सारी गैसें हैं, अभी ये अलग अलग है। अब ये हमारा वातावरण हो गया। अब जरा इनको इसमें डाल के मिला दो, धीरे से। ये हमने डाला और मिला दिया। अब मैं समझाती हूं। ये हमने मिला दिया। ये हमारे वातावरण में सारी गैसें अक्रिय गैसें मिल गई।
ये मिल तो गई लेकिन अभी भी ये क्या है? गेहूं। ये गेहूं है, अभी भी इसमें गेहूं के गुण दोष इसकी विशेषताएं मौजूद हैं, है ना? ये दाल है, अभी भी इसमें इसके गुण दोष और विशेषताएं हैं। इसी तरह से हमारे वातावरण में सारी अक्रिय गैसें एक साथ मिली हुई रहती हैं, लेकिन वो अपनी अपनी विशेषताओं को नहीं खोती, उन्हें अपने जैसी थी वैसी ही बनाए रखती हैं। देखा, ये एक साथ है, अगर हम इसमें प्रतिक्रिया करा दें तो क्या बन जाएगी? खिचड़ी। खिचड़ी, बहुत अच्छे। तो ये हमारी अक्रिय गैसों की खिचड़ी बिल्कुल नहीं बनती, वो अपनी विशेषताओं को बरकरार रखती हैं। तो जरा मुझे बताओ कि जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? हवा। हवा, बहुत अच्छी। जरा कोई बताओ हवा होती क्या चीज? हवा विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। बहुत अच्छा, हवा विभिन्न गैसों का मिश्रण है। और अब सबसे कठिन वाला प्रश्न, जरा मुझे बता दो हवा के मुख्य अवयव क्या होते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सी अन्य गैसें। तो आज बहुत सी ऐसी चीजें बताई जो नई थी तुम्हारे लिए। अब अगली बार जब हम फिर से साथ में बैठेंगे तो फिर कोई नया विषय लेकर हम उस पर ढेर सारी बात करेंगे।